यदामृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदरावेद्यगदाभिमर्षा भग्नो रुदन्दे धृतराष्ट्रपुत्र। एक समय की बात है जब कौरव सभी पराजित हो गए, सभी कौरव मारे गए। इधर क्या होता है, दुर्योधन की जंघाओं में भीम ने इतने गदा से प्रहार किए कि वह मरा तो नहीं पर मरने जैसे हो गया। भीम जी को लगा अब तो ये मर ही जाएगा, मैं क्यों इसकी हत्या करूं, इसको इसने सबसे ज्यादा दुराचार किया है तो थोड़ा मैं इसको तड़पने दूं, ये अपने आप से खुद तड़प तड़प के मर जाएगा। अब सभी पांडव वहां से चले गए भगवान श्री कृष्ण के साथ। उधर क्या होता है कि वह अपने शिविर में जाकर अपने पुत्रों को सुला देते हैं, पांच पांडव के पांच पुत्र थे उनको सुला दिए और बोले भगवान की आज देखो विजय की रात्रि है तो हम सब मिलकर कहीं दूर बढ़िया आनंद करते हैं। अर्जुन बोले जैसी प्रभु आपकी इच्छा, अब वह विजय की रात्रि मनाने के लिए थोड़ा सा कुछ दूर चले गए। इधर क्या होता है, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे और सहानुभूति दिखाने लगे। अरे मित्र, मैंने आपके कुल का नमक खाया है, मुझे ये आपकी दशा देखी नहीं जा रही है, आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अब दुर्योधन ने मन में सोचा सब तो मेरे जो 100 भाई थे वह तो सब मारे गए, पांडव 5 थे उनमें से एक भी नहीं मरा। तो अश्वत्थामा से कहते हैं यदि मेरे लिए तुम कुछ करना ही चाहते हो तो एक काम करो, आप 5 में से किसी एक का सर काट के ले आओ, 5 पांडवों में से किसी एक का सर काट के ले आओ। अश्वत्थामा ने बोला मित्र बस इतनी सी बात, मैं अभी गया और तुरंत सर काट के लाया। दुर्योधन ने कहा ठीक है भाई, आप यदि ये कर सकते हो तो करो, मुझे इससे शांति मिलेगी, जो मेरे अंदर पीड़ा है ना कुछ तो राहत मिलेगी। अब अश्वत्थामा शिविर की तरफ दौड़ा, शिविर में जब गया तो वहां पर क्या देखता है, छोटे छोटे 5 पुत्र लेटे हैं, परंतु उसके मन में यह भ्रम हो गया कि यह पुत्र नहीं यह पांडव ही लेटे हैं। भगवान किसी के मन में कुछ भी डाल सकते हैं, भ्रम हो गया उसको, उसके मन में यह नहीं लगा कि यह पांडवों के पुत्र हैं, चद्दर ओढ़कर सो रहे थे। उस दुष्ट अश्वत्थामा ने क्या किया, तलवार निकाली और उन छोटे छोटे शिशु बालकों का 5 का सर काट लिया। सर काटकर 5 का दौड़ा दौड़ा लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा,
अरे मित्र, तुमने कहा था एक का सिर काट के लाना, मैं पांच के पांचों का सिर काट के लाया। दुर्योधन को तो प्रसन्नता हुई, पर ध्यान से जब उसने सिर की तरफ मुख करके देखा, देखा तो वह पांडव नहीं पांडव पुत्र थे। अब तो दुर्योधन और दुखी हो गए। अरे मित्र, तुमने ये क्या किया? तुमने तो हमारे कुल में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तुमने तो घोर अपराध कर दिया।